हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। वेलकम इन डे वन ऑफ क्लास 8, चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आप चैप्टर नंबर 8 को रीड करना स्टार्ट कर दें। लेट वी स्टार्ट। देर आर मिलियन ऑफ थिंग्स अराउंड अस इन दिस वर्ल्ड। हमारे चारों ओर इस वर्ल्ड में बहुत सारी थिंग्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ चीजें क्या है, लिविंग है, और कुछ चीजें नॉन लिविंग है। प्लांट्स, इंसेक्ट, फ्रॉग, ह्यूमन बींग। देखिए, प्लांट्स, इंसेक्ट है, फ्रॉग, ह्यूमन बींग, ये सभी कैसे हैं, लिविंग थिंग्स हैं। वाइल्ड, सैंड, सोयल, एयर, वाटर, चेयर, ये कैसी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट अलोंग विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। मीन्स जो लिविंग थिंग्स रहती हैं अर्थ पर, वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रहती हैं। और लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या है, कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन, मूवमेंट या फिर ग्रोथ, ये सभी किसमें होते हैं, लिविंग बींग्स में होते हैं। थ्रू नॉन लिविंग थिंग्स में परफॉर्म वन और मोर ऑफ दीज प्रोसेस, लाइक व्हीकल्स कैन मूव। मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो कुछ कोई ना कोई फंक्शन तो परफॉर्म करती हैं, जैसे व्हीकल्स हैं, वो मूव कर सकते हैं। बट इट इज ओनली अ लिविंग थिंग्स दैट परफॉर्म ऑल द अबव फंक्शन। ओनली लिविंग थिंग्स हैं जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग। सभी एनिमल्स और प्लांट क्या है, लिविंग है। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो सभी एनिमल्स या फिर प्लांट्स है, लिविंग है, और जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। हाउएवर ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। लेकिन सभी क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल। इन सेल क्या है, लिविंग बींग की स्मॉलेस्ट यूनिट है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सेल, इट्स पार्ट एंड द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में, उसके पार्ट के बारे में, और वेरियस जो सेल है उसके वेरियस पार्ट के जो फंक्शन है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और उसकी हिस्ट्री क्या है। एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया स्लाइसिस ऑफ कोक अंडर द सेल्फ डिजाइन क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने कोर्क की स्लाइसिस को ऑब्जर्व किया अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। तो कोर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। कोर्क किसका पार्ट था, जो बार्क था ट्री का, उसका एक पार्ट था। ही टुक थिन स्लाइसिस ऑफ ए कोर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। उसने कोर्क की थिन स्लाइसिस ली और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ही नोटिस ए लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन द कोक स्लाइस रिजेम्बलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। मतलब कि उसने क्या देखा कि उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो किसकी तरह हैं, हनीकॉम्ब की तरह। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया, सेल को एक बॉक्स का टाइटल दिया, मीन्स उसको एक बॉक्स की टर्म में दे दिया। तो रॉबर्ट हुक हैड एक्चुअली सीन द डेड वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली क्या देखा था, प्लांट सेल की डेड वॉल्स को देखा। दिस सेल हैड लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट, मींस जो ये सेल थी अपना लिविंग कंटेंट खो चुकी थी, एंड लुक लाइक लिटिल रूम्स, और एक रूम की तरह दिखाई दे रही थी, लाइक दिस। हाउएवर इवन 150 इयर्स आफ्टर हुक्स डिस्कवरी, मीन्स हुक्स की डिस्कवरी के 150 साल बाद, वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल। मतलब कि सेल के बारे में बहुत कम ही जाना जाता था, या फिर बहुत ही कम ऑब्जर्व हुआ था अभी तक, बहुत ही कम डिस्कवर हुआ था। अंटिल इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स विद ए वेरी हाई मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन वर मेड। मतलब जब तक माइक्रोस्कोप हाई रिजोल्यूशन के नहीं बने थे, तब तक सेल के बारे में बहुत कम डिस्कवरी हुई थी। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल, कि सेल को स्टडी करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।